गाइस ये सब लगा दी हैं और ये इनकी न्यू शर्ट, तो इसको भी इसमें रख देती हूँ। गाइस ये देखो अच्छी लग रही है, कलर भी अच्छा है इसका। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे? गाइस मैं भी अच्छी हूँ। तो वैसे मैं होगी रेडी, नहा ली हूँ मैं और पूजा वगैरह अभी होती नहीं है, ऐसी बस धूप बत्ती वगैरह लगा देते हैं क्योंकि सर आज चल रहे हैं उसकी वजह से ऐसी पूजा करते नहीं हैं। और गाइस ये वाली मच्छरदानी थी इसकी, इसके डैडी ये वाली लेके आ गए, कानू सो रहा है। गाइस ये रात को तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है और फिर दिन में सुबह के टाइम में सोने लग जाता है, अब तो उठ गया, अब खेल रहा है। तो इसके डैडी इस वाली मच्छरदानी को ले आए थे क्योंकि इसमें ना चैन खोलनी पड़ती है, हमसे जब जाके लिटाना पड़ता है हमको, और इसमें यह बस उठाना पड़ता है और आराम से गोदी में ले लेते हैं। फिर जब ये सो जाता है तो इसमें सुला देते हैं इसको, और जब जगा रहता है ना, खेलता रहता है, तो इसमें लिटा देते हैं। तो गाइस अब जाके देखती हूँ कुछ काम। मम्मी जा रही है कानों को सुला के पूजा करने के लिए। अभी गाइस कानों से प्यार करके तब जा रही है। मम्मी आपका थाल पोस तो बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस ये न्यू निकाला है मम्मी ने, दिखाना मम्मी एक बार, आपने बनाया था ना ये, देखो गाइस ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। गाइस मम्मी तो मंदिर चली गई हैं और अब मैं बनाऊंगी कचौड़ी। यानी कि ये मम्मियाँ कल व्रत थी, कल एकादशी थी ना, तो मम्मी का व्रत था, तो उसकी वजह से मैं जब मम्मी आ जाएंगी ना तभी गरम गरम बनाऊंगी। अभी बस तैयार करके रख लेती हूँ, आटा लगा लेती हूँ और पिट्ठी वगैरह बना लेती हूँ आलू की, उसके बाद बनाऊंगी कचौड़ी जब मम्मी जी आ जाएंगी, क्योंकि मम्मी व्रत भी हैं तो मम्मी को ये गरम गरम खिलाऊंगी। मम्मी का बहुत दिन से मन था गाइस, अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कचौड़ी बना के मम्मी को तब खिलाऊंगी। सबका मन था, दीदी भी बोल रही थी और मम्मी जी बोल रही थी, मैं बना लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, आटा लगाऊंगी और पिट्ठी बनाऊंगी। वैसे आलू वगैरह मैंने उबाल लिए हैं, अब फटाफट बना लेती हूँ। गाइस पिट्ठी तो मैंने आलू की बना दी है और आटा लगा रही हूँ, आटा भी पीसने वाला है, बस सारा काम जल्दी जल्दी किया था। अभी मम्मी आई भी नहीं है मंदिर से, बस आने वाली है। ये है ना गाइस, थोड़ा धूप पड़ता है, मम्मी का जो मंदिर है ना, मम्मी जिस पे पूजा करने जाती हैं वो धूप पड़ता है, तो इतने में सारा सामान करके रखूंगी, तब तक मम्मी आ ही लेंगी। तो गाइस आटा भी लग गया है और पिट्ठी बन गई है। और गाइस मुझे ध्यान नहीं रहा पिट्ठी में हींग डालने का। गाइस मैं ना पराठे हो या कचौड़ी हो या दाल हो, सब में हींग डालती हूँ। पता है मम्मी जी क्या बोलती हैं, पहले तो इतनी हींग नहीं पड़ती थी, इतनी अब हींग डालती है क्योंकि मैं दाल में और पराठों में सब में हींग डालती हूँ, और मम्मी जी इतनी डालती नहीं, दाल वाल में डालती थी और कभी कभी डाल देती थी, हम तो भूल जाते थे हींग डालनी, और जो तो भूलती भी नहीं है। गाइस मुझे ना पराठे हो कुछ भी हो बिना हींग के अच्छी नहीं लगती, तो ये भी बोल रहे थे बहुत जल्दी जल्दी डिब्बी खाली करती है, तो हींग की बहुत ज़्यादा हींग लगाती है। हाँ हींग से तो ज़्यादा अच्छी बनती है, कचौड़ी हो कुछ भी हो हींग से ज़्यादा टेस्टी, महक महक सी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अच्छा तेरी टेस्टी, ऐसे बोलते हैं मम्मी भी और ये भी सभी। तो गाइज अब मम्मी आ जाएंगी, जब ही तलूंगी गरम गरम। गाइज यहाँ बना रही हूँ मैं कचौड़ी, देखो कितनी अच्छी लग रही है गोल गोल, और यहाँ बन रही है चाय। आप सबको पता है कि सब कचौड़ी चाय के साथ खाते हैं, और यहाँ गाइज मैंने बेल के रख रखी हैं क्योंकि फिर तेल गरम हो जाता है ना, तो उस वजह से ना मैं पहले बेल के रख लेती हूँ, फिर इतनी जल्दी जल्दी नहीं करनी पड़ती। और यहाँ मैंने ये दो भर के रख रखी और ये बेल के रख रखी है, फटाफट डाल देती हूँ और साथ ही साथ बेलती भी रहती हूँ। यहाँ पे साथ ही साथ चाय भी बन रही है और अब सबको मैं घाल के दे देती हूँ। तो गाइज ये बन गई है। गाइज मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, गरम गरम कचौड़ी, और ये मत बोलना कि गिलास में चाय क्यों कर रखी, क्योंकि मम्मी ना कप में गाइज चाय पीती नहीं है, तो उसकी वजह से मैं ग्लास ही में ही देती हूँ मम्मी को चाय, तो मैं फटाफट दे के आती हूँ। गाइस सबने कचौड़ी खा ली थी, तो अब मम्मी ये बोल रही हैं कि अब तो किसी को भूख भी नहीं है, अब क्या खाना बनेगा। तो मैं बोलने लगी कि ऊपर जाके मैं इनकी अलमारी सेट कर देती हूँ और जो इनकी कुछ शर्टें हैं उन पर प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि इनकी प्रेस नहीं हो पाई है। और मैंने इनके कपड़े निकाल लिए हैं ये रे, अब मैं जाके फटाफट प्रेस कर लेती हूँ। इस वाले रूम में प्रेस नहीं करूँगी, इसमें तो बस मैंने कपड़े निकाल के रखे थे, इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है प्रेस करना, इसमें ज़्यादा करती हूँ मैं, पहले उसमें करती थी अब इसमें करती हूँ, तो मैं प्रेस लगाऊँगी, प्रेस करूँगी। तो गाइस प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस इस वाले रूम में ना प्रेस नहीं हो पाती, मैं ऐसे करके लगाती हूँ ना पैंटों को ऐसे करके, तो वो छोटा पड़ जाता है, सही से हो नहीं पाती, तो उस रूम में करके लेके आई थी। वैसे देखो सारे पैंटों पर कर दिया मैंने प्रेस, हो रही थी उस पर भी कर दी, जिस पर ना हो रही थी उस पर भी कर दी प्रेस,
और ये वाला रह रहा है इनका बॉक्स, इसमें रखूँगी मैं ये वाली इनकी शर्ट, और ये है मेरा येलो कलर का सूट जो मम्मी ने सिला था। इसका गाइज जो थी इसकी चुन्नी थी ना वो अच्छी नहीं थी, तो मैंने ये न्यू मंगाई है, तो मम्मी इस वाली को लेके आई थी। अब सरात चल रहे हैं, इसको पहनूंगी नहीं, बस मैंने ऐसे प्रेस करके रख दिए हैं, और फटाफट इनके इन कपड़ों को इसमें लगा देती हूँ, फिर इनकी अलमारी हो जाएगी सेट।